बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक भयानक और खूंखार शेर रहता था। वह रोज बहुत से जानवरों का शिकार करता और उन्हें मार देता था। पूरे जंगल में शेर का खौफ था। सारे जानवर उससे डरते और छुप कर रहा करते थे। जंगल के जानवरों का जीना मुश्किल हो चुका था। वे अपने खाने के लिए भी निकलने से डरते थे। ऐसे में जानवरों ने इस परेशानी का समाधान निकालने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा में शेर के अलावा जंगल के सारे जानवर उपस्थित थे। एक के बाद एक सब ने सुझाव देना शुरू किया, लेकिन सबको बंदर का सुझाव सबसे सही लगा। बंदर ने अपने सुझाव में कहा, हम रोज शेर के पास एक जानवर भेजेंगे। ऐसा करने से शेर को उसका खाना भी मिल जाएगा और वह अन्य जानवरों को नहीं मरेगा। इसके बाद हम जंगल में आराम से घूम सकेंगे और अपने खाने की तलाश बिना डरे कर सकेंगे। सभी ने बंदर की बात सुनी और उसकी बात पर सहमत हुए। अब यही बात बताने के लिए बंदर शेर के पास पहुंचा। बंदर ने शेर से कहा, हे जंगल के महान राजा, हम तुम्हें रोज खाने के लिए एक जानवर भेज देंगे। आपको खाने के लिए रोज रोज इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक दिन भी मेरे पास कोई जानवर नहीं पहुंचा तो मैं फिर से शिकार पर निकलूंगा और बहुत सारे जानवरों को मार दूंगा। बंदर शेर की शर्तों को मान गया और वहां से चला गया। अब रोज शेर को एक एक जानवर भेज दिया जाता और वह उन्हें मारकर खा जाता। एक दिन बारी आई एक खरगोश की। वह खरगोश बहुत ही चालक था और हर वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करता। इस बार भी उसने सोचा कि इस परेशानी से निकलने के लिए क्या किया जाए। शेर के पास जाने से पहले उसने सभी जानवरों से कहा, आज मेरी बारी आ ही गई, लेकिन आज या तो मैं बचूंगा या फिर शेर। ऐसा कहकर खरगोश वहां से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह यह सोचने लगा कि आखिर वह किस तरह से उस शेर से छुटकारा पाएगा। चलते चलते उसे एक कुआं दिखा दिया। वह कुएं के पास गया ताकि वह वहां से पानी पी सके। पानी उसकी पहुंच से दूर था, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। जब खरगोश कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई कुएं में नजर आई। अपनी परछाई को देखकर उस खरगोश को एक तरकीब सूझी और वह सीधे शेर के पास जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ शेर की भूख बढ़ते जा रही थी। भूख लगने की वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ते जा रहा था। मन ही मन में वह सोचने लगा कि वह आज फिर से शिकार कर बहुत सारे जानवरों को मार डालेगा। लेकिन उसके बाद ही खरगोश आ पहुंचा। खरगोश ने कहा, मैं आ गया मेरे मालिक। शेर ने खरगोश से कहा, तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हुई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। शेर का गुस्सा देख खरगोश ने कहा, मैं पहले ही आ जाता महाराज, लेकिन इस जंगल में एक और शेर आ गया है। वह शेर आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली और बलवान है। वह खुद को इस जंगल का असली राजा बताता है। उस शेर की वजह से मुझे छुप कर आना पड़ा और इस वजह से मुझे आने में देरी हो गया। खरगोश की बातों को सुनकर शेर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। शेर ने खरगोश से कहा, मेरे अलावा इस जंगल का राजा और कोई नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे उस शेर के पास ले चलो, उसे मैं सबक सिखाता हूँ। इसके बाद खरगोश उस शेर को उस कुएं के पास ले गया। खरगोश और शेर जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, तब खरगोश ने इशारे से शेर को बताया। खरगोश ने कहा, महाराज यही वह कुआं है जहां से वह शेर निकलता है और शिकार करके वापस चला जाता है। अब शेर उस कुएं के पास गया और उसमें झांक कर देखने लगा। कुएं में झांकने के बाद उस शेर को अपनी परछाई दिखी, जिसे वह दूसरा शेर समझने लगा। गुस्से में आकर शेर ने दहाड़ लगाई। परछाई भी शेर की नकल करने लगी। इससे वह शेर छिड़ने लगा और गुस्से में आकर उस कुएं में कूद गया। शेर उससे लड़ना चाहता था, लेकिन कुएं में कूदने के बाद उसे पता चला कि वहां कोई नहीं था। उसको समझ आया कि ये तो खरगोश की एक चाल थी। इस तरह शेर को अपनी जान गंवानी पड़ी। शेर के मरने के बाद सारे जानवर अब पूरी तरह से आजाद थे। सबने खरगोश की सूझबूझ की तारीफ की और उसे धन्यवाद भी कहा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, हमें हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए।
दिमाग का इस्तेमाल करके ही हम अपने परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। खरगोश ने भी यही किया, उसने परेशानी में दिमाग से काम किया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।